जब निर्णायक भूमिका में नहीं होती तो नतीजे कुछ और होते हैं, चाहे वो सिटी प्लानिंग की बात हो या मंत्रालयों की बात हो या टॉयलेट्स की बात हो, हर चीज के अंदर महिलाओं का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। और विदेश नीति में अगर महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने, और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इंडक्ट किया गया है, तो सोच यही है कि अभी तक लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है, और यही पुराने प्रधानमंत्रियों और अब के प्रधानमंत्री में अंतर है। जो विदेश मंत्रालय, अगर हम उसकी भी बात करें, काफी कुछ हो रहा है, तालिबान से बात करें या फिर बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, पर एक बात है कि ऐसा लगता है कि भारत की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं हिट हो रही है, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे वो अथॉरिटेरियन रूल की जैसे चर्चा चल रही है, आप इसको कैसे डिस्पेल करेंगे? देखिए, ये सब तो प्रोपेगेंडा है, और बैड प्रोपेगेंडा कैन ओनली बी बीटन बाय गुड आइडियाज एंड शेयरिंग ऑफ गुड आइडियाज, टेलिंग पीपल व्हाट द ट्रूथ इज, व्हाट द रियलिटी इज। द फैक्ट इज कि कोविड को लेकर भारत ने जितना काम किया है, जो लोग भारत पे उंगली उठा रहे हैं, शायद उनके अपने देश की जो स्थिति है वो इससे खराब थी। जहाँ तक अन्य विषय हैं, अन्य विषयों में भी अगर आप अथॉरिटेरियन रूल की बात करते, तो इमरजेंसी हमने नहीं, कांग्रेस ने लगाई थी, और आज जो विदेशी मीडिया है वो उन्हीं कांग्रेसियों के साथ खड़ा हुआ है, और जिसके अंदर परिवारवाद की राजनीति होती है वो दूसरी पार्टी को, जो कि सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है, उसको अथॉरिटेरियन बता रहा है। तो ये तो बैड प्रोपेगेंडा को डिस्पेल करने वाली बात है विद गुड आइडियाज एंड आइडियोलॉजी। तो इसे कैबिनेट रीशफल ही नहीं कहा रहा है, इसको एक ओवरहॉल किया बोला जा रहा है। 20% जो हैं पुराने मंत्री ड्रॉप किए गए हैं, नए चेहरे लाए गए हैं। आप काफी पुरानी हैं पॉलिटिक्स में, दिल्ली पॉलिटिक्स में भी प्रोमिनेंट फेस हैं, लेकिन सिर्फ 11 महिलाएं हैं 77 जो टोटल कैबिनेट है उसमें। 11 महिलाएं पहले कब थी 11 महिलाएं मंत्री, वो भी आंकड़ा निकालिए आप। तो 11 महिलाओं को एंटर करवाया है, और उसके अलावा चाहे आर्मी की बात हो, चाहे स्पेशल फोर्सेस की बात हो, सबके अंदर विमेन को पोजीशनिंग की गई है, ये भारत की सरकार। एक आखिरी सवाल, एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स होते हुए क्या आप सोच के आए हैं, क्या आपका एक विजन रहेगा? मेरे को सोचने के लिए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये घोषणा जो है कल रात में हुई है, और मुझे टीवी के माध्यम से पहले पता चला, तो मैंने विश्वास भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा टीवी वाले कुछ भी चला देते हैं, तो जब तक कोई ऑथर, खबर पक्की थी। हाँ, खबर पक्की थी, तो अभी कभी पक्की कभी कच्ची, तो उसकी वजह से तो मेरे को सोचने का मौका नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोई भी काम है, कोई भी जिम्मेवारी, उसका निर्वहन शिद्दत से होना चाहिए, और जो भी, क्योंकि महिला इससे पहले सुषमा स्वराज भी थी, उनसे भी कुछ ली, कुछ इंस्पिरेशन। एब्सोल्युटली, सुषमा जी ने जिस प्रकार से काम किया लोगों का, वो काबिले तारीफ है, और वी ऑल लुक्ड अप टू हर, शी वाज वन हेल ऑफ अ वुमन, एंड शी डिड सो मच प्राउड टू द कंट्री। एंड द सेकेंड एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट है, अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, मेरे सीनियर हैं, और मुझे लगता है उनसे भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो इट्स अ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक लर्निंग प्रोसेस। एंड देन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज आर एम्बेसडर टू द वर्ल्ड, सो आई नो द लीफ ऑफ व्हाट यू सेइंग दैट प्राइम मिनिस्टर इज एन एम्बेसडर टू द वर्ल्ड, बट देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, वेदर इट्स नॉट द गवर्नमेंट, whether there has been a Stan Swamy incident, people are questioning not just bail but also how the judiciary could have acted upon it. Do you think there is an international image which has taken a beating as far as India is concerned, or do you think there is a need for a clear headed thought process as far as our diplomacy or diplomatic outlook is concerned? So clear headed thought process is definitely there, and had that not been there, a few decisions wouldn't have been made. The second aspect, what I see and what I perceive,
that there is when India is doing better at all counts, when people wanted to pull us down, there is going to be a contrarian propaganda mechanism and machinery at work, and that needs to be dealt with. You know, you're a hard taskmaster, but we've seen recently how Pakistan has started, you know, talking about blaming India for terror attacks. There is a lot of international propaganda to that. How well prepared are you to deal and take them on at an international platform? It's not just Pakistan. I can see much more than that.